हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली ईआरपी 9 सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है टैली ईआरपी 9 की। आप भी अगर मेरी तरह देखना चाहते हैं स्टॉक की रिपोर्ट, तो आपको कहां जाना चाहिए? देखिए, ये टैली की मेन मेन्यू है, यानी टैली की मुख्य मेन्यू। और इस मुख्य मेन्यू में, जो कि कंपनी का नाम है माई ओन कंपनी, आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट एंट्री हुई है 2 जुलाई को, यहाँ पे दिख भी रहा है। जो लास्ट एंट्री होती है वो यहाँ पे दिखती है, ठीक है। अब हमको अगर पूरी डिटेल देखनी है तो कहां कहां जाकर के देख सकते हैं, पूरा डिटेल में बात करेंगे। देखिए, एक तो स्टॉक समरी यहां दिया गया है, तो यहां पे जाइएगा, एस प्रेस कीजिएगा, तो आपको डिटेल नजर आ जाएगी। यहां पे देखिए, ये पूरी डिटेल नजर आएगी, इनवार्ड कितना हुआ, आउटवार्ड कितना किया, किस किस डेट पे किया, सारी डिटेल आपको यहां से मिल जाती है। क्लोजिंग बैलेंस कितना है स्टॉक का, वो भी आपको दिख जाता है। क्लोजिंग बैलेंस यानी कितना बचा हमारे पास, ठीक है, हमारे पास कितना था और फिर बाद में कितना बचा, ये पूरी की पूरी डिटेल यहां पर आपको मिल जाती है, ठीक है। अब बात करेंगे कि किस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि हमने परचेज क्या किया था और सेल क्या किया था। तो आपको इसके लिए डिस्प्ले पे जाना होगा, तो इसके लिए डी प्रेस कीजिए, फिर आपको जाना होगा। ये देखिए, ये दिया गया अकाउंट बुक, ठीक है, तो आप अकाउंट बुक पे जा सकते हैं। और अकाउंट बुक पे जाने के बाद आपको कहां जाना है, आपको जाना है परचेज रजिस्टर पे। आपने परचेज क्या किया था वो पूरी डिटेल यहां पर आपको शो करेगी। फिलहाल अभी नहीं शो कर रही है क्योंकि हमने डेट चेंज कर दिया है, तो आपको ऑल्ट F2 प्रेस करना है, 1/4/2023 से लेकर अब तक की पूरी डिटेल। तो देखिए, ये परचेज हुआ था, देख लीजिए जरा, यहां पर ये परचेज हुआ था आइटम, और इतने इतने क्वांटिटी में हुआ था। अब सेल्स रजिस्टर में चलेंगे, तो चलिए चलते हैं सेल्स रजिस्टर में। और यहाँ आपको सेल्स की पूरी डिटेल मिल जाती है, कितना कितना सेल हुआ, कब कब सेल हुआ, किसको किसको सेल किया गया, ये पूरी की पूरी डिटेल आपको यहां से मिल जाती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये आपको कैसे देखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, इसका प्रिंट आउट देना चाहते हैं, अल्ट पी करके प्रिंट आउट भी दे सकते हैं, ये प्रिंट आउट भी आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज की यहां पर अगर आप इसका प्रिंट आउट देखना चाहते हैं कि किनको किनको सेल किया गया, तो यहाँ पे ऑल्ट F2 कर लेते हैं, यहाँ पे डेट पहले चेंज करता हूँ, 1/4/2023 से 1/7 कर देता हूँ। अब मान लीजिए केवल यही प्रिंट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, Alt P करना है, एंटर करना है, तो ये पूरी डिटेल, ये देखिए, ये पूरी डिटेल प्रिंट हो रही है, जो है वो पूरा का पूरा डिटेल प्रिंट हो जा रहा है कि किन 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 डेटर पार्टीज को ये सामान बेचा गया है, ये पूरी डिटेल यहाँ पे प्रिंट होती हुई आपको नजर आएगी। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे कैसे करके आपको देखना है, ठीक है ना। ओके।